नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है इस वीडियो में आपका। और देसा स्टेट फार्म का ये तीसरा पार्ट है, और सेकंड पार्ट में अपने इनकी जो ब्रूडमेयर थी वो दिखाई थी तीन, एक मैं कहूँगा अच्छी ब्लड लाइन और एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन की इनके पास में जो घोड़िया है, और एक एक ठान उन्होंने दिया है तीनों घोड़ियों ने हिडाल्गो का। अब इस वीडियो में अपन बात करते हैं इनके पास में जो बच्चिया है दो दांत, क्यों नागेश भाई? हाँ जी। हाँ अच्छा नागेश भाई, जैसे तीन तो अपने पास में घोड़िया हो गई, अच्छा दो दांत में अपने पास में कितनी है बच्चिया? दो दांत सोन भाई, अपने पास अभी तीन बच्चियां अभी दो दांत कर रही है। अच्छा, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ये भी एक ब्रूडमेयर अच्छी आपके 100% हो जाएगी। अच्छा, तो तीन तो वो हो गई, तीन ही हो जाएगी, मतलब छः ब्रूडमेयर आपके पास हो जाएगी। अच्छा, तो अभी नागेश भाई इसका सबसे पहले नाम मेरे को आप बता दीजिए। इसका नाम है रुद्राणी। रुद्राणी, अच्छा। और कितनी एज की है ये लगभग? अभी 30 मंथ की हुई भाई। 30 दो दांत चालू किए हैं। अच्छा, अभी चालू किए ही हैं। हाँ। तो 30 महीने में करीब कर लेती है मेरे ख्याल से। हाँ, तो दो दांत हो गई है। हाँ। अच्छा, ये कहाँ से नागेश भाई आपने ली थी, या आपकी होम ब्रीडी है ये? नहीं, ये हमने पंजाब से ली थी। अच्छा, जयपाल भाई के पास से। अच्छा। हाँ। जयपाल भाई। हाँ, ठीक है। अच्छा, क्या है इसकी पेडिग्री? ये है दिलबाग की। अच्छा, दिलबाग की है ये भी? है। और इसकी माँ है डायरेक्ट तूफान की। डायरेक्ट तूफान की। हाँ, और ये अभी जो बलवान करके ऑस्ट्रेलियन घोड़ा तैयार हुआ उसकी रियल सिस्टर है, उससे छोटी बच्ची। अच्छा अच्छा, बलवान पंजाब में ही है? पंजाब में, जयपाल भाई के पास। अच्छा अच्छा, उनके पास में ही है। हाँ। उसकी ये सिस्टर है, किस रियल सिस्टर? माँ की तरफ से, दोनों बाजू से। अच्छा, दोनों तरफ से। हाँ, मदर फादर की तरफ से, दोनों तरफ से है ना। अच्छा, वो भी दिलबाग का, ये भी दिलबाग की। ये भी दिलबाग की हो गई है ना। दो दांत इसने कर ली। अच्छा, कोई शो में गई है? नहीं, अभी नहीं डाली। अच्छा, आपको ये बार दो दांत में डालेंगे। अच्छा, अपने पास कितना टाइम हो गया इसको, बच्ची को? इसको हो गए 7-8 महीने। अच्छा, 7-8 महीने। अच्छा, मार्किंग तो दो पैर वाइट है इसके, पीछे के दो पैर वाइट है। हाँ, और फूल है माथे पर। हाइट क्या हो गई होगी इसकी? 62.5 है। 62.5। अच्छा अच्छा, ये तो दिलबाग का ही कलर हो गया, कुमेद। हाँ, कॉपी कॉपी है ना। तो एक बच्ची तो ये हो गई आपके पास में। हाँ। क्या नाम बताया इसका? रुद्राणी। रुद्राणी, तो ये भी एक ब्रूडमेयर के लिए आप तैयार कर रहे हो। हाँ। उसको है। इसकी माँ भी डायरेक्ट तूफान की है श्रवण भाई। हाँ 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 हाँ। और बाप दिलबाग है। बाप दिलबाग हो गया और माँ इसके जो तूफान। कितनी हाइट की होगी इसकी माँ, आपने देखी वो? इसकी माँ मैंने देखी है। पर तूफान का ब्लड, तूफान का ब्लड है, मतलब डायरेक्ट तूफान की होगी। इसकी माँ भी 64 की होगी। अच्छा, इसकी माँ। और ये इसका भाई जो है बलवान, वो अभी 65 की प्लस तो होगा। 65। और अभी इसकी 62 है हाइट। 62.5। 62.5 प्लस, तो ये भी 64 बन जाएगी। 64 बन जाएगी आराम से। आराम। अच्छी बच्ची है साहब ये भी। देखो, ये होता है टेम्परामेंट का, मतलब स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन का। हाँ। मतलब एनिमल शांत खड़े रहते हैं। हाँ। ये मतलब ब्लड लाइन इस जगह काम में आती है। सही बात। स्वभाव में मतलब एनिमल एक होता है एग्रेसिव। हाँ। और एक होता है शांत खड़ा है, तो इसमें ये खानदानी जो घोड़े होते हैं उनका यही व्यवहार होता है साहब। ये भी नागेश भाई दो दांत बच्ची होगी अभी? श्रवण भाई इसने भी अभी दो दांत किए हैं। अच्छा, और ये है काले कांटे की। अच्छा, काले काटे की। हाँ, और इसने भी अभी दो दांत किए हैं। अच्छा अच्छा, काले काटे। ये भी परचेसिंग की है अपनी? हाँ, ये भी परचेसिंग। अच्छा, मतलब ये मैं कहूँगा कि एक दूसरा स्टॉक आपके पास में तैयार हो रहा है ब्रूडमेयर में। जी भाई, दो दांत अभी कर लिए इन्होंने। दो दांत कर लिए। ये सब बच्चियाँ खरीदी हुई है आपकी? मतलब बच्ची ली थी है ना। तो फादर्स की तरफ से तो काले काटे की हो गई है, और माँ इसकी? माँ भी इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन की है। अच्छा, और अच्छी कोड़ी। ठीक है ठीक है। नाम क्या बताया इसका? नाम, इसका नाम कुदरत है। कुदरत। अच्छा, और हाइट वगैरह क्या कर लिया अभी? दो अभी 63 हाइट है अभी, है ना। हाइट ठीक लग रही है इसकी। हाँ। दो दांत में। तो ये तो मुझे लगता है 4 दांत में चले जाएगी 64-65 के लमसम। हाँ, 64 प्लस तो हो जाएगी। 64 प्लस तो हो जाएगी मेरे ख्याल से। अच्छा, ये कहाँ पंजाब से लिया आपने? ये ब्रीड हुई है पंजाब। अच्छा, और इसको लेके आए थे बंटी भाई पिंडवाड़ा।
ये मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई और अच्छा, उनके पास से बच्ची मैंने ले ली। अच्छा, वहाँ से लिया आपने। मुश्ताक भाई भी एक अच्छे बहुत अच्छे ब्रीडर है उनका, अच्छे जानवरों का उनका काम, अच्छे जानवर रखते हैं। बट्टी भाई और मुश्ताक भाई दोनों काफी नाम है साहब। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं? साथ में ही है। अच्छा, साथ में ही है, दोनों भाई है? नहीं, फ्रेंड है। अच्छा अच्छा अच्छा, पिंडवाड़ा में है उनका और अच्छा फार्म है कुल मिला के, अच्छे जानवर रखते हैं साहब, बहुत अच्छे जानवर। ब्लेज है इसके और एक पैर वाइट है, पैर वाइट है और ब्लेज है। हाइट इसकी 63 के लमसम, अभी 63 पूरी। अच्छा नागेश भाई, आपके एनिमलों में जो लोग बाग ढूंढते हैं नेक प्रोफाइल, वो सभी एनिमलों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मतलब कुल मिला के? हाँ, सभी में, क्योंकि जो लोग जो ढूंढते हैं वो चीज़ यही ढूंढते हैं, गर्दनी। सही है सावन भाई, देखो मारवाड़ी घोड़ा कि नेक तो लंबी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मणिया है वो एकदम पतला होना चाहिए। मतलब मारवाड़ी जो अच्छी ब्रीड करने वाली जो घोड़िया है उनकी यही पहचान होती है, यही पहचान है। और लमसम आपने देखी अपने पास तो वही है। नहीं साहब, आपके पास में बहुत अच्छा कलेक्शन है, जो मेयर आपने दिखाई वो भी बहुत शानदार है, और जो बच्चियाँ ये आप दिखा रहे हो ये भी मतलब बहुत अच्छी है। एनिमल खुद बोल जाता है कि भाई मेरे में क्या पावर है। हाँ, वही सावन भाई है ना, आप कुछ भी बोलेंगे उससे कोई मतलब नहीं है, जानवर खुद बता देता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखने वालों को जानवर से ही पता चलता है। हाँ सही है, सही है। चलिए, बोलने से कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, वो तो एनिमल खुद ही दिखा देता है कि भाई मेरे में क्या हूँ मैं, सामने आने पर पता पड़ जाता है कि हाँ भाई मैं क्या हूँ। चलो ठीक है नागेश भाई, अच्छी बच्ची है आपकी भाई, कुदरत था ना? कुदरत, ठीक है। एक बच्ची और आपके पास में? हाँ, दो दांत, ठीक। ये अपनी तीसरी बच्ची हो गई दो दांत में? हाँ, ये भी श्रवण भाई अभी दो दांत कर रही है। अच्छा, अभी है ना? हाँ, अभी स्टार्ट किए, अभी मिल्क टिक्स बोल सकते हैं, मगर अपने दो दांत ही है तो बोल दे दो दांत। अच्छा, एग्जैक्ट उम्र लगभग कितनी होगी इसकी? 31, 31 महीने। 31 महीने, हाँ, तो ये 30, 31, 29 में कर लेती है दांत। हाँ, दो दांत। इसका क्या नाम है नागेश भाई? इसका नाम है देवली। देवली, देवली, देवली। एक तो लाइन होती है, चलती है। हाँ, वो लाइन चलती है, उसी का ये वंशज है। अच्छा, उसी का है क्या? हाँ, देवली लाइन का ही। देवली लाइन का। अच्छा, तो नाम आपने देवली दे दिया इसको? इसको नाम कुमार भाई ठाकुर ने दिया था, देवली। अच्छा अच्छा, तो वहीं से है, लाई हुई है क्या? हाँ, ये ब्रीड हुई थी कुमार भाई के वहाँ। अच्छा अच्छा, आपके गुजरात में? हाँ। अच्छा, वहाँ ब्रीड हुई है? वहाँ ब्रीड हुई, उनसे मैंने ली है। अच्छा, क्या है इसका, किसकी है ये, साइड कौन है इसका? ये है सप्तांश। सप्ताश की? हाँ। अच्छा। और इसकी माँ है सिपरा। सिपरा, हाँ, और जो सिपरा घोड़ी है वो पट्टेदार और देव की है। अच्छा, पट्टेदार और देव की? देव की। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब मजबूत एक माँ है इसकी। बहुत खूब। इसकी जो नानी है अभी रणसी में, अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट में पट्टेदार है ना, रणसी में है ना वो, रणसी में, रणसी में है। और इसकी माँ कुमार भाई के पास। मजबूत पेडिग्री होगी साहब, खूब जोरदार। हाइट भी इन्हें अच्छी ले ली उसके एज के हिसाब से। अच्छा अच्छा, कितनी हो गई अभी? ये भी 62.5 अभी है। 62.5, हाँ, हाइट तो ये करेगी खूब। करेगी करेगी, अच्छी हाइट वाली बन जाएगी आपकी ये तीनों बच्चियाँ। हाँ, ये भी उम्मीद है सब 60। नहीं नहीं नहीं, हाँ, आराम से आराम से। और देखो मेहनत भी कुछ बोलती है साहब। हाँ, मेहनत के पीछे भी है, मेहनत तो करते हैं भाई, सब मेहनत के पीछे ही है साहब। और जो अच्छा सोचता है तो अच्छा ही होता है उनके साथ भी। सही है। और भाई लक्ष्मण भाई की भी मेहनत ही है। हाँ, लक्ष्मण भाई है, गौरव भाई है। अच्छा, गौरव भाई है क्या? हाँ, खूब मेहनत है इनकी। देखो मेहनत इनकी होती है साहब। हाँ, काम करने वालों की, तभी तो देखो ना ट्रोट की आवाज लगाते ही ट्रोट चलती है बच्ची गुड़िया। हाँ, हम सब सभी जानवर हमारे आवाज से सेट है, और वो आपने देखा है। और देखो वही होता है टेम्परामेंट का और फर्क रखाव का फर्क बहुत पड़ता है। हाँ। तो ये दो दांत में आपके पास में तीसरी बच्ची हो गई, नाम क्या बताया, नाम क्या बताया इसका? देवली। देवली, और मैं एक मजबूत पेडिग्री की हो गई, सप्ताश की और सिपरा की। चलो अच्छा है नागेश भाई, क्या मार्किंग है इसके? ब्लेज है, और तो अभी ब्लेज और एक पैर है, एक पैर है और ब्लेज है। अच्छा नागेश भाई, क्या अपने यहाँ चलता है कुछ गुजरात का डाइट प्लान, क्या रहता है आपके यहाँ पे फार्म का? देखो गुजरात का तो मालूम नहीं है, सबका अलग अलग होता है सरुण भाई, मगर हमारा जो है वो
बताता हूँ, चारे में तो हम सुबह मूंगफली डालते हैं, ठीक है, और दोपहर में वो जिंजुआ है जो आपको, हाँ जो आप एक दिखाओ सबको, ये एक अच्छी चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा और बताओगे आप, थोड़ा सा क्या है, कहाँ से आपके पास आया ये और कैसा? जिंजुआ जो है ना श्रवण भाई, ये हमारे दक्षिण गुजरात में, सूरत में और काठियावाड़ में बहुत होता है। अच्छा, और ये जानवरों के लिए बहुत अच्छी चीज। अच्छा अच्छा, प्रोटीन भी इसके अंदर खूब है। तो इसको ये घोड़ों के लिए अच्छा है, मतलब घोड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो दोपहर में वो डालते हैं और शाम को लीच का। अच्छा, तीन टाइम तो ग्रीन रहता है, मतलब एक टाइम तो ग्रीन, एक टाइम सूखा। हाँ, एक टाइम तो मूंगफली का चारा हो गया, एक टाइम सुबह मॉर्निंग में मूंगफली। अच्छा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं देते, दाना देते हैं इसको। दाना कौन सा? दाने में तो ये चना चुनी हो गई, बाजरी हो गई। अच्छा अच्छा, यही डालते, मतलब यही रहता है आपके पास? हाँ, यही नेचुरल ही है। हाँ, नेचुरल जो देखो, मारवाड़ी घोड़े तो बने ही नेचुरल के लिए ही है, और नेचुरली जितना खाना अच्छा होगा उतना ही अच्छा प्रोड्यूस करेगा और उतना ही अच्छा बनेगा, मतलब। ठीक है नागेश भाई, थैंक यू। तीनों बच्चे आपकी बहुत अच्छी है और अच्छी मेहनत आपने की है इस फार्म को डेवलप करने में और एनिमल भी लाने में। हाँ श्रवण भाई, पहले से थोड़ा अपना सपना था तो धीरे धीरे अब साकार वो साकार हो रहा है, मतलब है। मतलब माइंड में पहले से ही था आपके। माइंड में तो था, मतलब। चलो ठीक है, इसी तरह आप उन्नति करते रहो हमारी तरफ से। ठीक है भाई, थैंक यू।